करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है ते सिल पर पड़त निशान। एक कोमल रस्सी भी अगर निरंतर पत्थर पे रगड़न से जब पत्थर को घिस सकती है, तो एक जीता जागता दृढ़ निश्चय व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, बशर्ते वो हिम्मत ना हारे। कोई भी संकल्प करे तो मान ले कि वो आज नहीं तो कल जरूर फलित होगा। ये जमीन में बीज बोने के जैसा है। बीज बोते ही पेड़ अगले दिन नहीं बन जाता, जब पेड़ बनता भी है तो वो फल फूल एकदम से नहीं देता, समय लगाता है, पर देता जरूर है। तो शुरू करते हैं आज का ध्यान। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, किसी कुर्सी पर या जमीन पर। ध्यान रहे कि कमर सीधी रहे। सरलता से आंखें बंद कर लें। चेहरे पर एक मंद मुस्कान रखें। अब हम कुछ गहरी सांस लेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोकिए, 1, 2, 3, और आसानी से सांस को बाहर छोड़ते जाइए। एक और बार लंबी गहरी सांस भरिए, रोकिए, 1, 2, 3, और आसानी से सांस को बाहर छोड़ते जाइए। फिर से एक और बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, 1, 2, 3, और सांस बाहर छोड़ते जाइए। धीरे धीरे अब सांस अपने आप अंदर और बाहर जा रही है। अपने सर के ऊपर एक सफ़ेद प्रकाश, एक दिव्य ऊर्जा की कल्पना करें। देखिए, ये दिव्य प्रकाश आपके सर से नीचे की तरफ उतर रहा है, पहले आपके मस्तिष्क में, माथे में भर रहा है और आपके विचारों को शांत कर रहा है। अपने चेहरे पर एक मन सी मुस्कान आने दें। देखिए कि ये दिव्य शक्ति आपकी अंतर्दृष्टि को साफ कर रही है, जिससे आप आध्यात्मिक स्तर पर हर स्थिति को देख सकेंगे। ये शक्ति अब आपके चेहरे में आ रही है और चेहरे की सारी शिकन को हटा रही है। ये प्रकाश अब धीरे धीरे आपके गले में उतर रहा है, जिससे आपकी वाणी में मधुरता आ रही है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है। ये दिव्य शक्ति अब आपके हृदय में, कमर में उतर रही है। ये प्रकाश आपके हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र को पूरी तरह खोल रहा है, और निकल जाने दीजिए उन भावों को जो आपके जीवन में योगदान नहीं दे रहे। इस प्रकाश से अपनी आत्मा को पूरी तरह साफ होने दें। आज सोचे गए व्यर्थ विचार पीछे छोड़ते जाएं। आज लगी किसी भी ठेस को आज ही माफ करके पीछे छोड़ दें, वरना ये आपके पैरों की बेड़ियां बनती रहेगी। ये प्रकाश अब आपके पेट में, कमर में जा रहा है। आपके मणिपुर चक्र यानी आपके शक्ति केंद्र को प्रकाशित कर रहा है। ये जानो कि असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस जीवन का मजा खुद से हर दिन बेहतर होने में है। हर काम को करने के लिए अब इस दिव्य शक्ति को कहो कि ये आपका मार्गदर्शन करे। हर सांस आपके मनोबल को और बेहतर कर रही है। इनमें से कुछ तरीके आपको शायद सोते हुए सपनों में दिखाई दे, या कुछ आपको रोजमर्रा के काम करते हुए समझ आए। अब इस दिव्य प्रकाश को अपनी नाभि के नीचे अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर लाएं। अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकाशित होने दें। अपने अंदर एक दृढ़ता महसूस कीजिए। आप जो भी कार्य शुरू करते हैं, आप उसे पूरा करते हैं, और ये दिव्य शक्ति ऐसा करने में आपकी सहायता करती है। आज से आप अग्रसर हैं। सरलता से छोटे छोटे कदम लेकर भी सही रास्ते पर चलते रहते हैं। अपने सारे कामों को
उनके अंत तक पहुंचाने के लिए आप काबिल हैं। लंबी गहरी सांस लें। अब इस दिव्य प्रकाश को अपने मूलाधार चक्र में ले आए। ठीक रीढ़ की हड्डी के अंत पर स्थित ये मूलाधार चक्र, देखें कि ये प्रकाश आपको शक्ति से परिपूर्ण कर रहा है। आपके हाथों और पैरों की शक्ति और बढ़ रही है। ये रीढ़ की हड्डी सीधा मस्तिष्क से मिल रही है और पूरे शरीर में एकाग्रता बढ़ा रही है। जो आदेश आपका दिमाग देगा, आज से आपका पूरा शरीर एकाग्रता से उसका पालन करेगा। अपने भौतिक जीवन में आप निरंतर अनुशासन लाएंगे, जिससे आप अपनी हर मंजिल सही वक्त पे सरलता और सुखदायी तरीके से पा सकेंगे। इस प्रकाश को अब अपने पैरों में और अपने हाथों में बहने दीजिए। महसूस कीजिए कि ये प्रकाश आपके पैरों से निकलकर जमीन की गहराई में जा रहा है। इससे धरती में बसी सारी सृजनता की शक्ति अब आपके पैरों से ऊपर आ रही है और आपके शरीर में फैले जा रही है। आप ऐसे पथ पर चलेंगे जो आपको एक सुखदायी सकारात्मक जीवन देगा। आपके विचार आपके नियंत्रण में हैं और आप ऐसे विकल्प को चुनेंगे जो हर जगह सुख समृद्धि बढ़ाएगा। आप अपने परम रूप को पहचानने लगे हैं और ये दिव्य शक्ति आपके मस्तिष्क को शांत करते हुए आपके सहस्रार चक्र यानी सर के ऊपर जाके ब्रह्मांड से जुड़ गई है। कुछ पल इस ऊर्जा को अपने अंदर समाने दें। धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इनको अब अपनी आंखों पर रखकर धीरे से अपनी आंखें खोलिए और हमेशा सचेत रहिए।